दोस्तों, अगर हम टैली में इनवाइस बना रहे हैं तो बहुत बारी क्या होता है कि जो हमारे इनवाइस में जो आइटम्स होती हैं, लाइन ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 15 होती हैं, 20 होती हैं, 25 होती हैं, 50 होती हैं। तो उस केस में जब इनवाइस को हम प्रिंट करते हैं तो हमारा इनवाइस 2 पेज में, 3 पेज में या 4 पेज में प्रिंट होता है। तो उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और कम से कम पेज में हम अपने इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ लाता हूँ एक नई वीडियो जिसकी कि आपको सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब आप इनवाइस बनाते हैं तो कई बार इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आता होगा, जो आपका इनवाइस है वो आपके 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में या उससे भी ज्यादा पेज में आपका प्रिंट हो रहा है, अगर आपकी लाइन ऑफ आइटम ज्यादा है उस बिल में। तो उस केस में आप ढूंढते हैं कि इस इनवाइस का जो साइज है उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकें, कैसे उसके साइज को बढ़ा सकें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जब हम इनवाइस के साइज को बढ़ाते हैं तो जो इनवाइस की विजिबिलिटी है, जो उसके फाउंट है, वो और भी ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं और इनवाइस को रीड करने में, इनवाइस की विजिबिलिटी में हमें प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि बहुत ही छोटा छोटा हमें दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये चलते हैं टैली में और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंट है ये हमारा आ रहा है 2-3 पेज में। तो पहला पेज तो हमारा हो गया ये, और दूसरे पेज में ये जा रहा है जिसमें कि एक ही आइटम ले रहा है, मतलब कंटिन्यूसली में ले रहा है, और सेकेंड पेज में हमारा एक ही आइटम ले रहा है। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड पेज है, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब इसको हमें एक ही पेज में शिफ्ट करना है, तो एक ही पेज में कैसे शिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपने इनवाइस का जो हाइट और विड्थ है उसको सेट करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे जो इनवाइस का जो हाइट है उसको हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 13 यहाँ पे कर देते हैं। तो ये जो है हाइट ऑफ नॉर्मल इनवाइस, तो जो आपका नॉर्मल इनवाइस है उसकी हाइट है, और अगर आप इसमें जो दूसरा फॉर्मेट आता है सिंपल फॉर्मेट, तो उसका भी हम यहाँ पे 13 कर देते हैं। और उसके बाद विड्थ ऑफ नॉर्मल इनवाइस, तो उसकी हम यहाँ पे कर देते हैं 9, ताकि ये भरा भरा इनवाइस लगे हमें, तो ये हमने 9 कर दिया। अब हम इसका प्रिव्यू देख लेते हैं कि क्या एक ही पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा एक ही पेज में यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जिसमें कि 20 आइटम आ रही हैं, और उसके बाद आपका GST टैक्स भी यहाँ पे ऐड होके आ रहा है, साथ ही साथ नीचे आपका GST में जो HSN है उनकी भी वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे आ रही है, मतलब टैक्स एनालाइजेशन भी आपका यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे टैली ने इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है, मतलब थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी में फ़र्क आया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके 20 से 25 आइटम है तो आप इस तरह से एक ही इनवाइस में प्रिंट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास 50-100 आइटम है, उस इनवाइस को अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो आपके 3-4 पेज में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब उन पेज को 3-4 की बजाय वो 2 पे आए, तो उसको हम किस तरह से सेटिंग करेंगे, तो एक तो आपने हाइट को सेट कर देना है, उसके बाद हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम 100 मोर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको कि आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेज। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बस आप इस पर एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे, उसके बाद इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है, चूज डिटेल टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब सेकंड पेज के बाद, फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज में आप कौन कौन से डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास खुलेगी। अब आप यहाँ से ऑप्शंस को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके बायर का नेम है, तो बायर का नाम आपके फर्स्ट पेज पे आ रहा है, मतलब जब उस इनवाइस को आप प्रिंट कर रहे हैं, और वो अगर आपके 2 पेज में जा रहा है तो वो सेकेंड पेज में भी प्रिंट होता है। लेकिन ये फीचर आपको टैली प्राइम में मिलता है कि आप इसको सेट कर सकते हैं, मतलब एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ये आपको टैली ERP 9 में नहीं मिलेगा। ठीक है, टैली ERP 9 में जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया था, आप उसकी लेंथ और उसकी हाइट को ही आप एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे टैली प्राइम में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, और इससे आप अपने इनवाइस जो सेटिंग हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको आप एनेबल डिसेबल कर पाएंगे सेकेंड पेज की। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सेकेंड पेज में जो डिटेल प्रिंट आपने करनी है उनको आप यहाँ पे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, फर्स्ट पेज में तो आएंगी जो डिटेल्स आती हैं। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर नो कर देता हूँ, ठीक है, कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सब कुछ हमें फर्स्ट पेज पे चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे यस करिए, जो नहीं चाहिए नो करिए। ठीक
है। अब हम प्रिंट का प्रीव्यू देख लेते हैं, तो प्रीव्यू में चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया, फर्स्ट पेज में सारी चीज़ें आ रही हैं जैसे हमारी आई रही थी। तो इसके लिए हमारे ये सेकेंड पेज में नहीं गया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ आइटम्स जो है और ऐड कर लेते हैं। तो अब मैंने इस इनवाइज में लगभग 50 आइटम्स ऐड कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सेकेंड पेज में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब हम इसको प्रिंट पे चलते हैं और प्रिंट पे हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो अब देखिए ये हमारा सेकेंड पेज में जाना स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक पेज में कितनी आइटम्स आई हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। एक आइटम पर हमारी 49 आइटम्स हमारी आई हैं, और उसके बाद की जो आइटम्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो हमारी सेकंड पेज में गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड पेज दिखा रहा हूँ, लेकिन सेकंड पेज में देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो बहुत कम डिटेल्स आ रही हैं। तो अगर आपका जो इनवाइस है जिसमें कि 100 150 200 आइटम्स हैं और वो आपके 4 5 6 पेज में जा रहा है, तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके या यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको चाहिए उनको एनेबल करके, जो नहीं चाहिए जो अननेसेसरी के जो ऑप्शंस हैं उनको डिसेबल करके, जो आपका इनवाइस 5 6 पेज में प्रिंट हो रहा है उनको आप 1 या 2 इनवाइस में भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सेकंड पेज है और सेकंड पेज में जो डिटेल्स आ रही हैं ये बहुत कम डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने इनवाइस की प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने इनवाइस के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, जो आपके ज़्यादा पेज प्रिंट हो रहे हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, अपने पेपर को सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।